गोल्ड टेस्टिंग मशीन है जिससे सैंपल लिया, प्योर सैंपल सेंटर में रखा। आपको ये देखना है कि ये बराबर सेंटर में है। सेंटर में रखने के बाद डोर बंद किया, टेम्पलेट सिलेक्ट की गोल्ड। यहाँ पे आप जो नाम देना है दे सकते हैं टेस्टिंग के लिए। 50 सेकंड के बाद आपको रिजल्ट डिस्प्ले होता है। मेनली अब हम इस मशीन का एक्यूरेसी देखेंगे, दो रीडिंग लेके या तीन रीडिंग लेके तीनों में कितना फर्क आ रहा है वो चेक करेंगे। ये अभी लगभग खत्म होने को है टेस्ट, 50 सेकंड्स का टाइम है। एक्यूरेसी के लिए 50 सेकंड्स का टाइम देना जरूरी है, ज्यादा टाइम देंगे तो ज्यादा एक्यूरेसी आएगा। ये 98.019 यानी 23.5 कैरेट का गोल्ड है। ये नंबर वन रीडिंग। अभी इसको हम दूसरे स्पॉट पे, ये हमने अभी एसी भी ऑन नहीं किया है और सैंपल को घिसा भी नहीं है। नॉर्मली लोग घिस के ही टेस्ट करते हैं, हमने बिना घिसे टेस्ट किया है। अभी दूसरे इसको उल्टा करके दूसरे साइड से रीडिंग लेंगे, दूसरा रीडिंग, ताकि रिपीटेबिलिटी, रिपीट करने के बाद क्या एक्यूरेसी मिलता है वो हम लोग देखेंगे। मशीन में रिपीटेबिलिटी बहुत जरूरी है। ये वापस चालू किया दूसरा, इसका नाम समझो, अभी हम कुछ भी दे सकते हैं। और 50 सेकंड लगेंगे, 50 सेकंड के बाद हम उसका वापस रीडिंग लेंगे। अभी लगभग 50 सेकंड होने को है, रिजल्ट डिस्प्ले हो गया 97.855 यानी 23.49, 0.01 का डिफरेंस आएगा। इसको भाई और एक बार, तीसरी बार टेस्ट करेंगे। तीसरा रीडिंग है, दिखा रहा है 23.60, 0.10 का डिफरेंस दिखाता है। ये सैंपल थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, अगर फ्लैट सैंपल हो तो और भी अच्छा रीडिंग, 0.10 के आसपास रीडिंग आपको आसानी से दिखा सकता है। 916 के रिंग हमने किए, 0.10 का एक्यूरेसी से आराम से दिखाता है। थैंक यू।